यहाँ पे कश्मीर में हमारे दो म्यूज़ियम हैं, एक तो हो गया क्राफ्ट्स म्यूज़ियम और दूसरा हो गया ये वाला SPS म्यूज़ियम। ये जो SPS म्यूज़ियम है ये 1898 में पब्लिक के लिए खोला गया था। पहले यहाँ पे कोई म्यूज़ियम ही नहीं था। म्यूज़ियम कैसे यहाँ पे आया, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि एक अमर सिंह हुआ करते थे, राजा अमर सिंह। वो महाराजा प्रताप सिंह के भाई थे और एक स्कॉलर थे गॉड मैरी, वो ब्रिटिश स्कॉलर थे। तब इंडिया में ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी और यहाँ पे कश्मीर में महाराजा प्रताप सिंह की हुकूमत थी। तो इन दोनों ने क्या किया, ये जो गॉड मैरी हैं और राजा प्रताप, ये राजा अमर सिंह हैं, इन्होंने सोचा कि यहाँ पे कुछ तो होना चाहिए ताकि जो उनकी चीज़ें हैं वो हम तक पहुँच सके। फिर इन्होंने सोचा कि यहाँ पे अजायब घर तो ज़रूर होना चाहिए, अजायब घर हम म्यूज़ियम को ही बोलते हैं। फिर क्या हुआ, इन्होंने एक मेमोरेंडम, आप सोचो, आप समझो कि एक प्रपोज़ल बादशाह के पास डाला, उसके सामने रखा। तो ऑब्वियसली वो इसको लाइक करते क्योंकि हर कोई चाहेगा कि उनकी जो चीज़ें हैं वो बहुत आगे तक प्रिजर्व रह सके। फिर बादशाह जो थे यहाँ के, महाराजा प्रताप सिंह या सर प्रताप सिंह आप बोल सकते हैं, उन्होंने इजाज़त दी। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये असल में महाराजा की समर पैलेस हुआ करती थी, फिर इसी को अजायब घर बनाया गया। पहले यहाँ पे क्या किया गया, जो गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर से नमूने लाए गए, इकट्ठा किए गए, फिर उनको यहाँ पे रखा गया। और कोलाजिस्ट थे जिनका नाम था जॉन मार्शल, और यहाँ के एक सिपाही थे जिनका नाम था मिस्टर बिलर्जी। जो मिस्टर बिलर्जी हैं वो इस SPS म्यूज़ियम के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बनाए गए, यानी सदर बनाए गए। और जो ये जॉन मार्शल थे इनका काफ़ी नाम था, जो हिंदुस्तान के आसारी कदीमा की तारीख हैं, उनको उसको मजबूत करने में, उसको प्रिजर्व करने में उनका काफ़ी अहम किरदार था। तो इन दोनों को पहले यही टास्क दिया गया कि आप सिक्के इकट्ठा करें। तो सबसे पहले जो यहाँ पे एग्जीबिशन हुआ 1898 में, तो यहाँ पे जो चीज़ें दिखाई गई वो महाराजा प्रताप सिंह के ख़जाने से ली गई थी। जो पहला कलेक्शन था वो उसी का था। जहाँ तक कलेक्शन की बात की जाए तो मुझे लगता है यहाँ पे, मैंने सुना है कि 80,000 से भी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, जिनमें मैन्यूस्क्रिप्ट्स, रिटन और टाइप डॉक्यूमेंट या स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ, संतराशी जिसे कहते हैं, ज्वेलरी, हथियार वगैरह। अभी मैं यहाँ पे साइड में ही बैठी थी क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है। आप 10:30 से या 4 बजे तक कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं, और यहाँ पे एंट्री फ़ी देनी पड़ती है आपको। फॉरेनर्स के लिए अलग हैं, जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनके लिए अलग हैं, जो गवर्नमेंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग हैं, जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग हैं। अब यहाँ पे जिस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे एंट्री फ़ी वगैरह रखी है, और एक बात, यहाँ पे जो वीडियोग्राफी है उसके लिए भी आपको पे करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे गाइड वगैरह तो होनी चाहिए। फ़िलहाल यहाँ पे मेरे बगैर कोई भी नहीं है जो मुझे कुछ कह सके, कुछ गाइड कर सके। अभी जो करना है फ़िलहाल खुद ही करना है, देखते हैं। अभी ज़्यादा फ़र्क नहीं आया हमारे ड्रेसिंग स्टाइल में, बिल्कुल वैसे ही। ये लेडी दिखाई गई है राजपूत जम्मू, और वो क्या है, मुस्लिम लेडी है। और अभी तो हमारी ऐसी ड्रेसिंग होती है मुस्लिम गर्ल, और ये रहा पीर। पीर तो आजकल बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। ये वाला सबसे बड़े हैं। 1857 में जब यहाँ पे डोगरा रोल हुआ करता था तब यहाँ की करेंसी कैसी थी, कितने बड़े बड़े नोट हैं। खैर ये 100 रुपये हैं या 10 रुपये हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि इस पे उर्दू और फारसी से लिखा हुआ है। ये हैं जब यहाँ पे डोगरा रोल हुआ करता था तो कैसे कानूनी कागजात होते थे, जुडिशल पेपर्स। 19th century, बस 200 साल पहले की बात है। ये भी वही सेम है। स्कल्पचर्स जिनकी मैं बात कर रही थी बाहर, 6th century से है ये, बीज बहारा से लिया गया है। इनका खैर हमें इनसे कोई काम ही नहीं है। यहाँ पे मूर्तियों की इतनी कलेक्शन है, इसे पता चलता है कि यहाँ पे ज्यादातर हिंदू से हुआ करते होंगे। करली है 4th century, लतपुरा पुलवामा। ये भी लतपुरा पुलवामा,
मिले पूरा पुराना टेबल वॉलनट, ये वॉलनट वुड से बनाए गए, 19th century का है ये। स्क्रीन फ्लावर डिज़ाइन वॉलनट वुड 19th century से, ये भी ये बहुत अच्छा है, फैंसी है, दिखने में कितना अच्छा है, ये मजबूत भी है। टेबल और कुछ नहीं है यहाँ पे, बस यही चीज़ें हैं, टेबल वगैरह। इनमें सबसे अच्छा ये है, देखो काम, देखो कितनी बारीकी से किया गया है, इसका भी अच्छा ही है। ये सब रियल है, ये बस केमिकलों की वजह से सड़ते नहीं है। समावार नर ट्राई कच्चा पोटात कुछ वजन आस नर ये है 19th century मार्डवुड। 19th century में कैसे वो ये दीवारें हुआ करती थी, घर कैसे हुआ करते थे, ये दिखाया गया है यहाँ पे। ये क्या है, इसमें शायद वो गन बंदूक रखी जाती है। नहीं, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये अभी भी वो आपने देखा होगा टीवी में या कहीं पे वीडियो में, वो लद्दाख के लोगों के पास अभी भी होता है, वो अभी भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये कहाँ की है, ये लद्दाख से ही है, लद्दाख के लोग ऐसे इस्तेमाल करते थे। ये कुछ बर्तन हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा है, देखो कितना अच्छा है दिखने में। इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन हुआ अगर मैंने फ़ोटो अपनी ली, जो फ़ोटो मैं दिख रही हूँ वो तो मैं ही हूँ ना, लेकिन असल में मैं नहीं हूँ। वैसे ही ऐसे चूल्हे हुआ करते थे, अब ये वो नहीं है लेकिन वैसे ही बनाए गए हैं।
आई नो आप लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा खास नहीं लगी होगी क्योंकि ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, एक साल पुरानी है, दो साल पुरानी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये कहाँ पे है। जहाँ पे ये म्यूज़ियम है इस एरिया को लाल मंडी कहते हैं। ये दरियाई जहरम के किनारे पे हैं। अभी मैं दिखाती हूँ आपको बाहर जाके। यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बोला था वीडियोग्राफी के लिए आपको पे करना है, और मुझे आपको पता है कितना पे करना पड़ा यहाँ पे। इतना तो मेरा वीडियो बना ही नहीं, मुझे यहाँ पे 1600 पे करने पड़े फ़ोटोग्राफ के भी। पर गैलरी देते हैं ये लोग, यहाँ से चेकिंग करके ही अंदर छोड़ते हैं, और जो भी आपका बैग वगैरह सामान वगैरह हो तो वो आपको यहाँ पे छोड़ दे देना है सिक्योरिटी चेक। तो यही था ये SPS म्यूज़ियम। देखो आप